हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चटपटा, टेस्टी और हेल्दी अचार की रेसिपी लेके आई हूँ, गार्लिक का अचार। तो ये बनाना भी बहुत आसान है और बनता भी फटाफट है, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनने में। तो देखिए, मैं आपको ये लहसुन का अचार देखिए आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। आज ये देखिए कितना टेम्पटिंग, कितना टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान, ये देखिए लहसुन का अचार। चलिए आज मैं आपको इस लहसुन के अचार की रेसिपी बताती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लहसुन का अचार बनाने के लिए मैंने 3/4 कप लहसुन लिया है। आप अब ज़्यादा बनाना है कम बनाना है, मेरे जो मैं बताऊँगी आपको रेशियो, उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने लहसुन छील के रखा हुआ है। अब सबसे पहले अब हम देखिए पैन ले लेंगे। एक पैन में हम डालेंगे सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल हमें डालना है, तो इसके लिए 1/4 कप मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। इसको बनाना सरसों के तेल में ही है, क्योंकि जो इसका स्वाद सरसों के तेल में आता है ना, किसी चीज़ में नहीं आता। मस्टर्ड ऑयल अब इसको हमने अच्छे से जला लेना है, खूब गर्म कर लेना है, जिससे कि इसका जो कसैलापन होता है वो निकल जाए अच्छे से। देखिए, इसको तेज आंच पे रख के जब ये अच्छे से थोड़ा सा धुआं छोड़ने लगता है, तब तक इसको हम जला लेते हैं। हमने इसको 2 मिनट जला लिया है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे कर लेंगे और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम अचार बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, काफ़ी तेज आंच, एकदम से गरम गरम में नहीं डालना है हमको। ये देखिए, इस तरीके से हमारा थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें बाकी अचार बनाना स्टार्ट करेंगे। ये सरसों का तेल जल गया, इसकी सबसे अच्छी निशानी होती है, ये बहुत थिक होता है। अब उसके बाद आप देखिए पैन में देखेंगे, हिलाएंगे, देखिए आपको बहुत ही पतला, मतलब लगेगा कि जो इसकी थिकनेस है बहुत ही कम रह गई है। तो डैट मीन्स ये आपका सरसों का तेल तैयार हो गया। अब इस टाइम पर हमने इसको थोड़ा ठंडा भी कर लिया है, ये हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा तेज कर लेंगे। फ्लेम स्लो फ्लेम रखनी है बिल्कुल हमें इसकी, और इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ये 1/4 स्पून ये हींग है, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, और अराउंड 1/2 स्पून हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट। वैसे तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है, पर सॉल्ट इसमें ठीक डालिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी हम पिकल बनाते हैं तो नमक और तेल वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। अब हमने देखिए लहसुन को हल्का हल्का स्टर करते रहना है। देखिएगा, जब आपको लगेगा हल्के से श्रिंक होने लगे हैं लहसुन, ये देखिए आप इसको कंटिन्यूसली हम स्टर करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए, बनाना बहुत ही आसान है इस अचार को। और अगर आप इसमें चाहते हैं, इसमें आप इसी तरह ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये हल्का सा श्रिंक होना शुरू हो गया। अराउंड 1-2 मिनट लगेगा इसको, हम 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल हल्का हल्का कंटिन्यूसली स्टिर करते रहते हैं। देखिए, 2 मिनट हमने कर लिया है। इस टाइम पे हम इसमें अराउंड अप्रॉक्स लगभग 1 स्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें, और 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आपको पता है कश्मीरी लाल मिर्च जनरली तीखापन नहीं होता है इसमें, यह हम ऐड करते हैं कलर के लिए बेसिकली। ये देखिए, अब इसको हम फिर, ये सब हम स्लो फ्लेम पे कर रहे हैं, इसको हाई फ्लेम पे अब बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टार्टिंग में जब हमने तेल जलाया था, बस उस समय करना है। ये देखिए, ये हमारा गार्लिक आपको दिख रहा होगा श्रिंक भी हो गया है। ये देखिए, हमने मिर्च भी और हल्दी पाउडर को भी कर लिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको देखिए हो गया है 2 मिनट के लिए। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे राई, पिसी हुई राई, और इसके बाद इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। और हमने डाला है, ये देखिए मेथी दाना होता है, ये देखिए मैं आपको मेथी दाना दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इस समय मेथी दाना साबुत भी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून, और यहाँ पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ मेथी दाना। इसको डाल के हम फिर अच्छे से, ये देखिए 2-3 मिनट के लिए इसको, ये 2-3 मिनट सॉरी 3 सेकेंड बस हिला लेंगे इसको, मसाला भुन गया। अब इसके बाद हम कर देंगे गैस को बंद,
और इसको ठंडा कर लेंगे 2 मिनट के लिए, बाकी चीज़ें हम बाद में ऐड करते हैं। चलिए 2 मिनट इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ठंडा हो गया है। अगर आपको ग्रीन चिलीज डालनी है ना, जब आपने लास्ट में मसाले डाले थे उस टाइम पे इसमें ग्रीन चिली डाल के 2-3 सेकंड के लिए इसको अच्छे से सॉटे कर लीजिएगा। इसमें ग्रीन चिलीज भी आप वो भी थोड़ा सा पक जाए। इसके बाद देखिए लास्ट में हम सब डालेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, ये देखिए विनेगर डाल दिया, ठीक है, और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा अचार तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको सर्व कर देते हैं, ठंडा करना है इसको, तब स्टोर करेंगे। चलिए इसको हम सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन का अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गया है। आप इसमें लंच में खाइए, खाने के साथ डिनर में खाइए, ये हेल्दी और बहुत ही इसके बेनिफिट्स तो आपको लहसुन के पता हैं। तो इसको बनाइए, ट्राई करिए और बताइएगा कि आपका कैसा बना। अगर अच्छा बना हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा ज़रूर ज़रूर प्लीज़। और थैंक यू सो मच। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाफट सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।